हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 8.2, क्लास 8th का। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। एक स्केट जो है, पेयर ऑफ स्केट्स खरीदा गया जिस पर डिस्काउंट दिया जा रहा था 20%। इफ़ द अमाउंट ही पेज इज़ रुपीज़ 1600, अगर उसने कुल मिलाकर 1600 रुपीज़ पे किए हों, फाइंड द मार्क्ड प्राइस, तो उस पर मार्क्ड प्राइस कितना था, मीन्स उस पर कितने रुपए का टैग लगा था कि 20% डिस्काउंट मिलने के बाद उसने 1600 रुपीज़ पे किए हैं। तो लेट द मार्क्ड प्राइस बी रुपीज़ एक्स, तो जो फाइंड करना है मार्क्ड प्राइस, उसको हम लेट कर लेते हैं, मार्क्ड प्राइस बी रुपीज़ एक्स, डिस्काउंट है 20%, 20% किस पर, मार्क्ड प्राइस पर, मार्क्ड प्राइस का 20%, 20% ऑफ एक्स, तो 20/100 इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा 25 ज़ा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 125 ज़ा 100, तो ये बन जाएगा x/5 रुपीज़। अब अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, अमाउंट इक्वल टू मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस जितना था जो कि x है, डिस्काउंट कितना है x/5, अमाउंट जो पे किया गया है वो है 1600। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x माइनस x/5 इक्वल टू 1600, 5 LCM आएगा तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 5x माइनस x 4x/5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड में, ये आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 राइट साइड में आकर डिवाइड करेगा, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 4 16, तो 400 मल्टीप्लाई 5, तो ₹2000, तो मार्क्ड प्राइस ऑफ द स्केट्स ₹2000, इस तरह से उसका मार्क्ड प्राइस जो है वो ₹2000 था, जिस पर 20% जो है डिस्काउंट होने के बाद 1600 रुपीज़ में ख़रीदा गया।